एक्सरसाइज फर्स्ट सी का क्वेश्चन नंबर वही फोर्थ है, उसका थर्ड पार्ट देखते हैं। इसमें भी हमको प्रॉपर्टी बतानी है। ये तीन रेशनल नंबर है, -2/3 × -5/6 + 7/8। इसमें यहाँ बीच में प्लस आ गया है, तो इसको जब ओपन करेंगे तो इसकी गुणा इससे भी हो जाएगी, इस ब्रैकेट के अंदर दोनों से हो जाएगी, और -2/3 की गुणा 7/8 से भी हो जाएगी। तो -2/3 × -5/6 + -2/3 × 7/8 है ना, इसको कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, यानी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, दोनों में वितरण हो रहा है, मतलब है ना, डिस्ट्रीब्यूट होना। तो लॉ क्या है इसका, देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है ना। तो एडिशन पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, -2/3 की गुणा इससे भी हो रही है, प्लस फिर -2/3 की गुणा 7/8 से भी हो रही है। लेकिन अगर हम ऐसे इसको निकालें, चाहे इस तरीके से इसको सॉल्व करें, आंसर विल बी द सेम, यानी ये भी बराबर हो, इसका जो सॉल्व करके आएगा वो बराबर होगा इसके। अब देख लेते हैं, -2/3 × 6 और 8 का एलसीएम ले लिया, 24 आ गया है ना। तो 6 × 4 = 24 और 4 × 5 = 20 हो गया, 8 × 3 = 24 होता है, 3 × 7 = 21। तो अब आ गया माइनस प्लस माइनस होता है, तो 21 में से 20 जाएगा, एक बचेगा, -2/3 × 1/24 गुणा कर देंगे, 2 की 2 = 2, -2 आ गया, और 24 × 3 = 72 ठीक है। ऐसे ही अब इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, इन दोनों की गुणा कर लिए, 2 × 5 = 10, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 7 × 2 = 14, माइनस का आ गया, इधर 6 × 3 = 18 हो गया, इधर 8 × 3 = 24, 18 और 24 का एलसीएम देखो लिया हमने यहाँ पे, 3 × 6 = 18, 3 × 8 = 24, 3 × 2 = 6, 8 उतार लिया, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, सबकी गुणा कर देंगे, 3 × 3 = 9, 2 × 18, 2 × 36, 2 × 72 ठीक है। तो ये 72 इसका एलसीएम आ गया। अब 18 × 4 = 72 होता है, 4 × 10 = 40, 24 × 3 = 72 और 14 × 3 = 42, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 42 में से हम 40 माइनस कर देंगे, माइनस का 2 आ गया 72। तो देखो दोनों तरफ सेम आ गया। तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं इसको, ठीक है। इसमें अगर कुछ समझ में आया हो तो आप फिर से मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट देकर दोबारा से पूछ लीजिएगा, मैं फिर से बता दूंगी, ठीक है।